बात तो पूरी करना था, मैं तो बोली आधा मिनट में लिया। मेरा निवेदन है सर कि उन परिवारों को आर्थिक पैकेज दे, मंत्री वहां घोषणा करके आए थे जो कैबिनेट मंत्री है, हम आर्थिक पैकेज दिलाएंगे, पूरा देश उस परिवार के साथ है, विचारक घटना है, आर्थिक पैकेज की घोषणा। भूंगरा के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर करीबन 60 लोग झुलस गए थे, जिसमें अंदर कम से कम 28 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 26 लोगों का दाह संस्कार भी कर दिया है, जिसमें से बाकी के जो भी लोग हैं उसका पार्थिव देह अभी भी मोर्चरी के अंदर है और मोर्चरी के बाहर अभी भी धरना जारी है। तो हाल ही का एक मैं अपडेट आपको बता रहा था कि हनुमान जी बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील में जो ये घटना हुई भूंगरा गांव में उसके बारे में डिटेल से बताया है और कहा है, जो पत्र है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हनुमान जी बेनीवाल ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ध्यान मेरे प्रदेश राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा ग्राम में घटित हृदय विदारक घटना की तरफ आकर्षित करते हुए ये अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत दिनों उक्त गांव में राजपूत समाज के एक परिवार में शादी समारोह में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगभग 55 लोग झुलस गए थे और इस हादसे में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 लोगों का देहांत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गया था और 21 लोग अभी जोधपुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती है, जिसमें से 11 लोग ICU वार्ड में है और इस गंभीर हादसे में संपूर्ण मारवाड़ गमगीन है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मामले में व्यक्तिगत संज्ञान लेकर इस हादसे से प्रभावित परिवारों को विशेष आर्थिक पैकेज जारी करें। आपको पता होगा बेनीवाल जी ने संसद के अंदर भी ये बात उठाई थी और उसके बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पर्सनल मैसेज भेजा है, पत्र भेजा है और उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे नेता है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, समाज के नुमाइंदे भी है, वो धरना कर रहे हैं। पर आपको एक बात बता दे कि जो भी लोग अभी तक घायल है और जो तैयार भी हो चुके हैं तो उनका भी कुछ पता नहीं, क्योंकि वो गैस से जले हुए, उनके शरीर के अंदर भी गैस की मात्रा गई थी तो उसकी भी कभी भी तबीयत वापस बिगड़ सकती है। तो आपको पता होगा कि मैं अभी धरने से रिलेटेड वीडियो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यदि ये वीडियो, ये जानकारी भी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना ताकि लोगों को पता चले कि एक पत्र नरेंद्र मोदी तक भी पहुँच चुका है। मैं पूरे देश का सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। जोधपुर के अंदर 6 दिन पहले शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में राजपूत समाज के एक ही परिवार में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से वे हादसे की तरफ वहां करीब 24 मौतें हो गई और सभापति महोदय 29 लोग भर्ती है, जिनमें से 18 लोग ICU के अंदर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और 2-2 लाख की घोषणा करते हैं और वहां से एक मिनट साहब, आपका डिमांड मिनट, वहां से जो मंत्री आते सिर्फ हैं आपका डिमांड दिल्ली के अंदर, वो वहां जाते हैं। एक मिनट साहब, बात तो पूरी करना था मेरी, एक सेकंड बात तो पूरी करना था, मैं तो बोली आधा मिनट में लिया। मेरा निवेदन है सर कि उन परिवारों को आर्थिक पैकेज दे, मंत्री वहां घोषणा करके आए थे जो कैबिनेट मंत्री है, हम आर्थिक पैकेज दिलाएंगे, पूरा देश उस परिवार के साथ है, विचारक घटना है, आर्थिक पैकेज की घोषणा।